और चलिए आगे बढ़ते हुए चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का कार्यक्रम है। एचएसएससी अध्यक्ष के लिए शपथ समारोह का कार्यक्रम है। हिम्मत सिंह एचएसएससी के नए अध्यक्ष होंगे। एचएसएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होगी, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नियुक्त किया जाएगा और उसके बाद शपथ ग्रहण करेंगे हिम्मत सिंह। तो शपथ ग्रहण के लिए कार्यक्रम रखा गया है। एचएसएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होगी, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नियुक्ति किया जाएगा। तो एचएसएससी अध्यक्ष के लिए शपथ समारोह कार्यक्रम का आयोजन, हिम्मत सिंह होंगे एचएसएससी के नए अध्यक्ष। और आपको बता दें कि एचएसएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होगी, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में किया जाएगा नियुक्त। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का कार्यक्रम है चंडीगढ़ में, एचएसएससी के अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह के लिए। और ऐसे में हिम्मत सिंह होंगे एचएसएससी के नए अध्यक्ष, जो शपथ ग्रहण करेंगे। फिलहाल ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता साहिल रुखाया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल, ये जो कार्यक्रम है शपथ ग्रहण समारोह का, हिम्मत सिंह जो एचएसएससी के नए अध्यक्ष होंगे, क्या कुछ जानकारी है, कितने बजे समारोह होगा? हरियाणा सरकार ने हिम्मत सिंह को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नया चेयरमैन किया है। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता होने की वजह से घोषणा जो है वो नहीं की गई थी। अब आचार संहिता के बाद हरियाणा सरकार ने हिम्मत सिंह की नियुक्ति अधिसूचना जारी कर दी है। नए चेयरमैन हिम्मत सिंह आज 11 बजे हरियाणा निवास में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। बता दें कि हिम्मत सिंह से पहले भोपाल सिंह खत्री स्टाफ सिलेक्शन के चेयरमैन थे। गोपाल सिंह खत्री ने 15 मार्च 2024 को इस्तीफा दे दिया था। गोपाल सिंह पूर्व सीएम मनोहर लाल के विश्वास पात्र में एक माने जाते थे। तो जिस तरीके से ये हरियाणा का पद खाने के बाद हिम्मत सिंह को जो है नया स्टाफ सिलेक्शन का केस है वो बनाया गया। बिल्कुल साहिल, ऐसे में नए अध्यक्ष के बाद किस तरह की जिम्मेदारियां, चुनौतियां जो है रहेंगी, क्योंकि हिम्मत सिंह अब नए अध्यक्ष एचएसएससी के नए अध्यक्ष के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे, आगे क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी? बिल्कुल, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो नए चेयरमैन हिम्मत सिंह जो है वो हरियाणा के किसल के वाले पुरुषेत्तर यूनिवर्सिटी से एलबी और एल के बाद 16 साल से वो वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। एचएसएससी के चेयरमैन पद पर नियुक्ति से पहले वह एडिशनल एडवोकेट जनरल की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। तो वैसे में जो भर्तियां पेंडिंग पड़ी है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, उनको पूरा करने का चैलेंज जो है वो हिम्मत सिंह के ऊपर रहेगा। और किस तरीके का कामकाज रहने वाला है वो आगे ही पता चल पाएगा, क्योंकि जो भर्तियां जो पेंडिंग पड़ी है उसे कैसे पूरा किया जाए, इसको लेकर चैलेंज जो है वो हिम्मत सिंह के लिए रहने वाला है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए साहिल धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें एचएसएससी के अब नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी और शपथ ग्रहण समारोह भी आज है, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में किया जाएगा नियुक्त। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का कार्यक्रम है, आपको बता दें कि एचएसएससी अध्यक्ष के लिए शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है चंडीगढ़ में।